What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 15 अप्रैल 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:27 हो रहे हैं। कल छुट्टी था और उसके बाद आज ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कोरोना वायरस का अगर अपडेट देखें इंडिया के बारे में, तो 10,000 का ये जो फिगर था ये क्रॉस कर दिया है और ऑलमोस्ट 400 डेथ्स इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। तो अभी कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो लॉकडाउन पीरियड था ये एक्सटेंड कर दिया 3 मई तक। इससे ये जो स्पीड है ये इसमें जो स्पीड का रेट है ये कम हो सकता है, तो उसके मद्देनजर ये जो डिसीजन है ये काफी अच्छा है। हालांकि इसका असर बिजनेस के ऊपर तो गिरेगा ही। तो ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF ने जो ग्लोबल ग्रोथ रेट था उसको घटा दिया है, फिर इंडिया का भी ग्रोथ रेट हालांकि उससे घटेगा ही। तो ये जो लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड कर दिया है इसका थोड़ा सा इफेक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है। हालांकि ये डिसीजन काफी अच्छा है कोरोना को रोकने के लिए। लोगों को भी समझना होगा, अपने घर में ही ज़्यादातर टाइम बिताना होगा, तो ही इसका ये जो स्पीड है ये कम हो सकता है। सबसे पहले मंडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये 13 अप्रैल का पिक्चर है, आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। प्राय मंडे का वीडियो देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ब्रेकआउट लेवल बन रहा था हमारा 9,129 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 8,998। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हुआ और ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 8,961 ये अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट 8,901 ये भी ऑलमोस्ट अचीव हुआ था। जहां पर ये प्रीवियस डे जहां से ये स्विंग लो बना के इसने एक अपसाइड मूव दिया था उसी जगह पर इसने ये सपोर्ट टेस्ट किया था और एक बाउंस बैक दिखाया। हालांकि फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और फर्स्ट टारगेट के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास ये क्लोज हुआ। तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुए थे मंडे को भी। तो फ्राइडे मंडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था मंडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। US मार्केट में कल देखे तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। नाजडेक करीब 323 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। एशियाई बाजार देखे आज तो SGX निफ्टी एक फ्लैट नोट के ऊपर कारोबार कर रहा है। जापानीज इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की गिरावट दिख रहा है। हालांकि चाइना मार्केट में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है इस समय। डाउ फ्यूचर देखे तो 150 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। जैसे कि आप हमें कई दिनों से अगर फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो डाउन साइड हम देख रहे हैं तो इसको यहाँ से लो और हाई पकड़ के हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया। तो जहाँ से ये बाउंस बैक हो रहा है अभी तो ऊपर में इसने 8,672 के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। अभी इसको इसने ब्रेक करके ये उसके ऊपर क्लोज दे रहा है। ये वीकली चार्ट की हम बात कर रहे हैं। अभी तक ये वीक जो है ये करंट वीक ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और उसके पहले प्रीवियस वीक एक स्ट्रांग बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर बना हुआ है। तो कभी भी मार्केट स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता, ये फिर से नीचे आता है, सपोर्ट टेस्ट करता है और फिर ऊपर जाता है। तो कल के डिसीजन के अकॉर्डिंग हो सकता है अगर यहाँ से निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ आए तो ये जो लेवल जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 8,672, तो हो सकता है यहाँ पर इस लेवल के आसपास ये सपोर्ट टेस्ट करे फिर और फिर एक बार ऊपर की तरफ ये अपना जो ट्रैवल है ये फिर से स्टार्ट करे। तो एज पर वीकली चार्ट अगर ये लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर निफ्टी ऊपर अगर बढ़ता है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करता है। RSI में भी अभी फिलहाल हायर बॉटम्स बने नहीं है, तो अगर यहाँ से नीचे आता है निफ्टी इंडेक्स तो यहाँ पर हो सकता है हायर बॉटम्स बने और फिर एक बार निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगे। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट 2 डेज छुट्टियाँ आ रही थी, फ्राइडे सैटरडे संडे और उसके बाद ट्यूजडे को भी छुट्टी थी, तो एक फ्लैट नोट एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रहा था। ये जो वेनसडे का कैंडल है जहाँ पर लॉन्ग टेल छोड़ दिया, इसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। 2 दिन हो चुके एक फ्लैट नोट पे ट्रेडिंग हो रहा था निफ्टी इंडेक्स में।
तो यहाँ पर ये 20 EMA के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है, तो जो 20 EMA है हो सकता है ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करे। अभी फिलहाल रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर चल रहा है, ये हाई और ये लो, ये अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ये काम कर सकता है। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन आप निफ्टी इंडेक्स में बना सकते हैं। ये आइदर ये ब्रेकआउट ऊपर का हाई ब्रेक करना चाहिए या फिर ये इस कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। ये जैसे कि अपसाइड मूव आ रहा था, इसका इंडिकेशन हमें ये जो प्राइस एक्शन वर्सेस RSI का ये जो बिहेवियर है यहाँ पर हमें पता चलता है। ऊपर प्राइस एक्शन में देखे तो लोअर लोज बन रहे थे कम्प्लीटली, और तभी नीचे RSI में ये हायर बॉटम्स बना रहे थे। ये देखिए ये टोटली डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ने ये डाइवर्जेंस दिखाया तो ऊपर हमें प्राइस एक्शन में भी एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। ये देखिए और एक पैटर्न भी था यहाँ पर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और उसके नेक लाइन का भी ब्रेकआउट अभी मिल गया है। तो हो सकता है अगर यहाँ से फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो नेक लाइन जो है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इस सपोर्ट का काम करके ये ऊपर की तरफ अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो देखते हैं मार्केट क्या हमें मूवमेंट यहाँ से दिखाता है। 20 EMA के पास है तो 20 EMA हो सकता है एक सपोर्ट का काम करे। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 2 दिन देखे तो एक देखिए कम्प्लीटली एक स्लगिश पैटर्न है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक वोलेटाइल रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये S1 का ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है यानी 8898 इसको अगर ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8856, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर 8806 जो कि पिवट पॉइंट का S2 का लेवल है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो कम्प्लीटली इसको इस रेंज को ब्रेक करने दीजिए यानी 9129 को ब्रेक करने दीजिए, तो इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9174, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9204 जो कि R2 का पिवट पॉइंट का लेवल है। तो ये अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस YouTube चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ZERODHA है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल ID के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट ID है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कन्फर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।